अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद अन हमजा इन यूके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो यार आज मैं जाने वाला हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड शायर, और मैंने सोचा आप लोगों को पूरा कैंपस टूर देता हूँ। ऊपर से रात को थी शबे बरात, भाई का रोज़ा, और अल्लाह ने ऊपर से मौसम इतना ज़बरदस्त कर दिया कि भाई लड़के को जाते हुए किसी तरह की दिक्कत ना आए, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ से कम से कम 2.5 घंटे लग जाते हैं। दूर है, मैं शुरू में ही बता देता हूँ, अगर कोई आ रहा है तो भाई ये सोच के आना कि आपको नियर बाय कोई अकोमोडेशन मिल जाए या जॉब मिल जाए, क्योंकि वो एक छोटा सा टाउन है, कोई ज़्यादा जॉब्स और अकोमोडेशन नहीं है वहाँ पर। तो लेट्स सी, कैंपस दिखाते हैं फिर आपको। यार घर से तो निकल गया हूँ, लेकिन ये जो बर्फ़ है ना, ये वो वाली बर्फ़ है तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, तो ये ना कपड़ों को गीला कर रही है। अभी 9:11 हो रहे हैं और ये मुझे 9:01 का टाइम शो करवा रही है, ये अजीब बात है। यार थोड़ी सी जल्दी में शायद मैंने ट्रेन गलत ले ली है, और यहाँ पर जब भी थोड़ी सी बारिश हो, बर्फ़ हो, कुछ भी हो ना, तो ट्रेन्स डिले होने लग जाती हैं, और इनका बोर्ड भी मुझे लग रहा है ख़राब है। तो यार यहाँ पर आपको ट्रेन्स बहुत बदलनी पड़ती हैं, एक ही स्टेशन पर एक ही नाम की दो ट्रेन्स आती हैं, तो ये ध्यान रखना कि गलत वाले में ना बैठ जाओ। और कम से कम यहाँ पर 8-10 प्लेटफॉर्म तो होते हैं, तो ये इस बात का ख्याल रखना कि सही प्लेटफॉर्म पे हो और सही ट्रेन में बैठो। अब मैं कैम्ब्रिज में बैठा था, और दो कैम्ब्रिज थी, एक डायरेक्ट लेके जा रही थी और डायरेक्ट एक बीच में रुक रही थी, तो मैं अभी बीच में रुका हूँ, मेरी 10 मिनट बाद नेक्स्ट है, तो इस बात का ख्याल रखना, नहीं तो बहुत खज्जल हो गए। तो यार वही हुआ जिसका डर था, बस ली आज मैंने पहली बार, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस भी तकरीबन 30 मिनट्स का है और बस तकरीबन 25 मिनट लेती है, तो बस ली मैंने सिर्फ, क्योंकि ये जो स्नो पड़ रही है ना, ये बारिश वाली स्नो है, तो कपड़े गीले हो जाने थे, और वहाँ पर कोई अनाउंसमेंट नहीं थी बस के अंदर, तो भाई वो हमें आगे ले आई है। अब मुझे दोबारा बस का वेट करना पड़ रहा है, तो भाई बस और ट्रेन यहाँ पर बहुत बहुत ख्याल से लो। तो यार वेलकम है आप लोगों का दी हैवलैंड कैंपस पे, ये इनका ला कैंपस है, और ये अभी शुरू में लाइब्रेरी है, और वहाँ पर कैफेटेरिया है, तो आपको सारा दिखाता हूँ। तो यार इतनी दूर रहने का ये नुकसान है, 3 घंटे मैंने ट्रैवल भी किया है और स्टिल मेरी अटेंडेंस भी नहीं लगी। अभी मैं जाऊँगा, कार्ड स्विप करूँगा, क्लास लूँगा, लेकिन मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। तो ये एक बहुत नुकसान है दूर रहने का, अगर आपको नियर बाय रहना है। हेडफील्ड में मैं इसलिए नहीं रहता, यहाँ पर ज़्यादा जॉब्स नहीं है, तो सीधी बात है, लेकिन उसके साथ साथ छोटे 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 बहुत सारे टाउन हैं। अगर आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं पसंद, आप आसपास रहना चाह रहे हो, तो भाई आप यहाँ आसपास अकोमोडेशन ले सकते हो। अकोमोडेशन के लिए आप अंबर स्टूडेंट को विज़िट कर सकते हो, वहाँ पर आपको, यार देखो 50-100 की कोई बात नहीं होती, आपको कम से कम जेन्युइन चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या है, लोग कहते हैं कि यार हमने किसी को पैसे पे किए हैं, एयरपोर्ट पर बैठे उसको कॉल करते रहते हैं, वो बंदा कॉल नहीं उठाता, तो ऐसे पहली बात तो किसी को पे ही ना करो, ठीक है। तो मैं जेन्युइन साइट सिर्फ यही अंबर स्टूडेंट को ही रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए तो आप वहाँ जाके फाइंड आउट कर सकते हो, रूम चाहिए, फ्लैट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो आपको अच्छे से डील करेंगे। अब बात ये है कि इसके आसपास जॉब्स हैं, लेकिन हेडफील्ड के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा जॉब्स नज़र नहीं आई, तो अगर आपको चाहिए अकोमोडेशन तो आप अंबर स्टूडेंट विज़िट कर लेना। तो भाई यार पहली जो मेरी क्लास है वो ऑडिटोरियम में है, और यहाँ पर आपकी अटेंडेंस होती है, तो आपको अपना कार्ड लगाना पड़ता है, और ये रास्ता है भाई। अब इनमें से किसी ने ना किसी एक के कार्ड पे दो लोग चले गए, तो सिक्योरिटी वाले ने इसको पकड़ लिया।
यार यूनिवर्सिटी में आपको ये फैसिलिटी है कि आपको कि कोई भी चीज़ फोटोकॉपी वगैरह करवानी हो, इवन कि अगर आपको लैपटॉप भी चाहिए तो आपको थोड़ी देर के लिए लेंड कर सकते हैं, आपको असाइनमेंट करनी है, आपको क्विज़ करना है, आपके पास नहीं है, आप भूल गए हो, तो आपको लाइब्रेरी से वो भी मिल जाता है। यार अगर आप नए नए आते हो ना तो यहाँ पर आपको कार्ड मिलता है। तो यार ये दूसरी साइड है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट उस तरफ कैंटीन है और ये पूल का हिस्सा है सारा और ये स्पोर्ट्स विलेज है। तो स्पोर्ट विलेज जो है मैं आपको सही से नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वहाँ पर आपको एंट्री चाहिए होगी और एंट्री के लिए आपको मेंबरशिप लेनी होगी, इसके अलावा अंदर जाने का कोई चांस नहीं है आपका। हाँ एक दो बार विज़िट के लिए मे भी आपको अलाउ कर दें, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ की आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, बेसिक स्विमिंग की हो, क्रिकेट की हो, जिम की हो। तो भाई मुझे स्पोर्ट्स विलेज की वजह से यहाँ आना पड़ा और मुझे यहाँ उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो जगह वहाँ पर ही लो जहाँ पर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलें फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये इनका पूल है भाई, इतना ज़बरदस्त पूल है, हम सिर्फ बाहर से देख सकते हैं यार। यहाँ पर बेसिकली पर्सनल ट्रेनिंग भी होती है और साथ में भाई यहाँ पर कैंटीन है। तो अभी कैंटीन दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको हर टाइप का खाना मिल जाएगा, हर टाइप का। यार ये जितने भी छोटे छोटे आपको अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली अकोमोडेशन हैं यूनिवर्सिटी की। तो अगर किसी को अकोमोडेशन टूर पूरा चाहिए हुआ तो वो भी मुझे बताना, वो मैं आपको लहदा से दूंगा। दोबारा बर्फ़ पड़ने लग गई है, लेकिन ये बर्फ़ ना बारिश जैसी है, पड़ती है और पिघली जा रही है। तो बस क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, अब यहाँ से बस लेके सीधा घर को। तो यार अभी बस घर पहुंचा हूँ, यकीन मानो टोटली मेरी बासी। एक तो रोदा था, चलो रोदा इतना नहीं लगा, लेकिन ट्रैवल इतना लग गया। सुबह 8 बजे से मैं निकला हुआ हूँ, ठीक है। बीच में मैंने आपको बोला है कि यार आप लोगों ने गलत ट्रेन और बस नहीं लेनी, और मैंने खुद ही 2 बार गलत ले ली है। और यकीन मानो मुझे मेरे ख्याल में 8 घंटे लग गए, 8 बजे निकला हूँ और 4 बजे मैं घर पहुंचा हूँ। 2 घंटे की सिर्फ मेरी क्लास थी, तो बीच में 3-3 घंटे का मेरा ट्रैवल था। तो अगर आप रहना चाह रहे हो ईस्ट लंदन में, जो कि इल्फर्ड ईस्टर्न में आता है, वहाँ पर सब आपको एशियन कम्युनिटी मिलेगी, तो वहाँ पे आपको ट्रैवल में कम से कम 2.5 घंटे तो लगते हैं यार, ठीक है। ऊपर नीचे ट्रेन होती रहती हैं, तो आप 2.5-3 घंटे लेके चलो, और उससे पहले आपको 1 घंटा पहले उठना भी है, तैयार भी होना है, ठीक है। मैं 7 बजे का उठा हुआ हूँ, तो ये सब कुछ देख के आप ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना। अगर आप किसी आसपास रहना चाह रहे हो, इवन के अगर आप बर्मिंगम, मैनचेस्टर कहीं भी रहना चाह रहे हो, तो मैंने आपको बताया कि आप अंबर स्टूडेंट पर जाके वहाँ से अपनी अपनी कोई भी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। आपको रूम लेना है, आपको फ्लैट लेना है, वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ वहाँ पर रहना, तो मैं ये बता दूँ कि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, ठीक है। उसके आसपास छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर आपको जॉब्स मिल सकती हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, जैसे कि काफ़ी सारा जो दूसरी कम्युनिटी है ना, जैसे कि अपनी हमारी देसी कम्युनिटी है, लेकिन वहाँ पर आपको मिक्स कल्चर मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिक्स मिलेगा। तो वहाँ पर आपको मेरे नहीं ख्याल में इस टाइम, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर वहाँ पर भी मिले हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वहाँ पर जॉब मार्केट टोटली डेड है, ठीक है। तो आपको इनर लंदन ही मूव करना पड़ता है, तो ये देख लेना कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और ट्रैवल कॉस्ट भी ज़्यादा हो गई है। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी आपको मैं बता दूं कि जो वेज रेट है वो भी बढ़ रहे हैं और जो ट्रैवल कॉस्ट है वो बढ़ गई हुई है। जहाँ मेरे 10 पाउंड का लग रहे थे और सुबह मेरे तकरीबन 12-13 पाउंड लग गए हैं। तो ये चीज़ देख के मूव करना। उसके बाद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ठीक है।
आपके साथ टीचर बहुत कोऑपरेटिव हैं, हद से ज़्यादा। अटेंडेंस में कोई ज़्यादा मसला नहीं बनाते, ठीक है, लेकिन आजकल सिक्योरिटी वगैरह बहुत इन्होंने अलर्ट किए, क्योंकि काफ़ी लोग अपने कार्ड वगैरह किसी और को दे रहे थे, तो वो इशू का बन सकता है। ऐसा पंगा ना लेना, अगर पकड़े गए तो कोई ना कोई आपका इशू बना सकते हैं, फ़ाइन हो सकता है, यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट अदरवाइज स्टडी में बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है, अटेंडेंस में कोई ज़्यादा इशू नहीं करती अगर आपकी थोड़ी अटेंडेंस कम भी है, ठीक है। उसके बाद आप कहो कि लाइब्रेरीज, मैंने आपको बताया कि आपको लैपटॉप वगैरह क्विज के लिए कुछ भी चाहिए तो आपको वो भी प्रोवाइड करते हैं। टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, आपके सब बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। अगर आपका टाइम टेबल ऊपर नीचे आपको करवाना है, वो भी आप टीचर से हेल्प ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, मिलके भी ले सकते हो, तो आपका वो भी चेंज हो जाता है, और ये बहुत बड़ा एज है, ठीक है। मेरी एक क्लास नेक्स्ट डे होती है, सिर्फ एक क्लास, तो वो मैं पिछले डे में भी करवा सकता हूँ, सर से क्या कि मेरे काफ़ी दोस्तों ने करवाई है, अभी मैंने करवानी है, ठीक है, मैं इसका मैं बड़ा सुस्त हूँ। उसके बाद अगर आपको कॉलेज लेन का टूर चाहिए तो भाई आप मुझे बता सकते हो, वो मेरा जो दोस्त है तलाल, मैं उसके साथ मिलकर बनाऊंगा इंशाल्लाह, अगर आप कमेंट में कहते हो तो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई बात मैं भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको यूके आना है स्टडी बेस पे, इंटर के बाद या मास्टर्स के बाद, बैचलर्स के बाद, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपका प्रोसीड करवा सकता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।